हेलो, नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंथ। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप सभी बहुत ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई। तो जनरल स्टडीज़ पेपर वन में पॉइंट 11 सिलेबस में आप देखेंगे तो वो है सेलियंट फीचर्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। आप ये देख सकते हैं सामने, सेलियंट फीचर्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। तो ये आपका टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले कि फिज़िकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर पॉइंटर्स ज़रूर मैं आपको देना चाहती हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में उन पॉइंटर्स को बार 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 रिवाइज़ कर सकें और एग्ज़ाम में आप उसको लिख सकें। तो सबसे पहले फिज़िकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। एक डेफिनेशन है आर्थर होम्स की, वो कहते हैं कि फिज़िकल एनवायरनमेंट बाय इट्सेल्फ इज़ फिज़िकल ज्योग्राफी। जब हम फिज़िकल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं उसी को हम फिज़िकल ज्योग्राफी कहते हैं। यानी भौतिक जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो पर्यावरण है, उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो वही है फिज़िकल ज्योग्राफी। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? उसके अंदर है कंसिडरेशन ऑफ सरफेस रिलीफ ऑफ द ग्लोब, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। सीज एंड ओशियंस, जो हमारे समुद्र हैं, ओशियंस हैं, उनको ओशिनोग्राफी कहते हैं। एंड द एयर, एयर की स्टडी को मीटरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि ब्रांचेस क्या है फिज़िकल ज्योग्राफी की। अगर हम इन ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ें, सारी ब्रांचेस को अगर डिटेल में पढ़ें तो बहुत ज़्यादा वास्ट स्टडी हो जाएगी। आपको बस नाम पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या कवर किया जाता है, ताकि जब आपके एग्ज़ाम में अगर फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा आए कोई भी क्वेश्चन, तो आप इंट्रोडक्शन में बस उसकी ब्रांचेस का नाम लिख सकते हैं। तो पहली ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें अभी बताया जो रिलीफ है, जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी नाम से ही सबको पता चल रहा है कि इसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी भी नाम से पता चल रहा है, ओशियन की स्टडी, सीज की स्टडी, उसको हम ओशनोग्राफी के अंदर की ओशन कैसे डेवलप होता है, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम ओशनोग्राफी में कवर करते हैं। फिर है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में एनिमल्स एंड प्लांट्स का मैप में हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ किस स्थिति में, कहाँ किस ज्योग्राफी में बायो का क्या इंक्लूजन है, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का ज्योग्राफी के साथ जो संबंध है वो बायोजियोग्राफी में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि रीसेंट नया क्या है फिज़िकल ज्योग्राफी में, अभी जो रीसेंट ईयर्स में जो डेवलप हुआ है फिज़िकल ज्योग्राफी में वो। तो क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें कि क्लाइमेट हैज़ अ डीप इम्प्रेशन ऑन द लैंडस्केप, जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं, जो क्लाइमेट का असर हमारे पृथ्वी पर हो रहा है वो। देन अप्लाइड फिज़िकल ज्योग्राफी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर इंड्यूस्ड बाई ह्यूमन एनवायरमेंटल, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो ह्यूमन के इंटरफेरेंस से जो एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम, पर्यावरण में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड फिज़िकल ज्योग्राफी, ये एक नया सब्जेक्ट धीरे धीरे विकसित हो रहा है और रीसेंट ट्रेंड्स में आता है। उसके बाद आपने सुना होगा रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS सिस्टम की बात है ये। इसमें मॉनिटरिंग की जाती है अर्थ के रिसोर्सेज की और फिज़िकल फीचर्स की, यानी कि अर्थ पर स्थित जो रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल फीचर्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS के द्वारा। तो ये एक साइंटिफिक टर्म है और इसका भी अभी रिसेंट ट्रेंड्स में फिज़िकल ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी भी एक नया सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है जिसमें इकोलॉजिकल प्रोसेसेस स्पेशली ऑन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसमें एनर्जी फ्लो की बात होती है जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड है, तो बायोजियोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट रीसेंट ट्रेंड है। तो आपको ये रीसेंट ट्रेंड थोड़ा सा याद होना चाहिए ताकि आप अगर आप कोई कंक्लूजन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस सारे पॉइंट्स को कवर करें और ये कवर करके आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने कंक्लूजन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर भूमिका के बाद का जो मेन पैराग्राफ में भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी थीम के साथ। आगे हम स्टडी करेंगे क्योंकि आप अगर जीएस पेपर वन का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे अर्थक्वेक की, हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में, हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में, साइक्लोन के बारे में, ओशियन करंट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, विंड्स के बारे में और ग्लेशियर के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस में पॉइंट नंबर 11 में आप चेक कीजिएगा, पॉइंट नंबर 11 में ये सारे पॉइंट्स हैं और ये सब समझने में थोड़े से मुश्किल हैं, पर क्योंकि पहले प्री में ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और इसके कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स दोनों को समझने की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, जो हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आशा है आपको ये सब जानकारी पसंद आएगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए कि आपको क्या और प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्रिपेयर करने में मेंस के लिए या प्री के लिए, आगे की प्री के लिए या मेंस में आपको कौन सा और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, हम ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट हैं और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपके काम आ सकता है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए